कानपुर के साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे हार चुकी टीम इंडिया इंदौर के होलकर स्टेडियम पर जीत के लिए कदम रख रही है। ये वही मैदान है जहां सहवाग ने 2011 में रनों की बरसात कर दी थी। जी हां, 2011 में दर्शकों को इंडियन बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग की विस्फोटक इनिंग देखने को मिली। इस स्टेडियम में ये आखिरी वनडे मैच था। अब करीब 4 साल बाद यहां हो रहे साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच वनडे मुकाबले में फैंस ऐसे ही एंटरटेनमेंट की उम्मीद कर रहे होंगे। इंटेंशनल सिक्स फोर Easily put away. वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया था। विस्फोटक बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग ने जबरदस्त बैटिंग कर दर्शकों को एंटरटेन किया था। उन्होंने 149 बॉल में 219 रन बनाए थे। इस इनिंग में उन्होंने 25 चौके और 7 छक्के लगाए। इसके साथ ही सहवाग ने सचिन तेंदुलकर के वनडे में हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा था। सचिन ने फरवरी 2010 में ग्वालियर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे इतिहास की पहली डबल सेंचुरी लगाई थी। 2011 में उनका यह रिकॉर्ड तोड़कर सहवाग वनडे में डबल सेंचुरी लगाने वाले वर्ल्ड के दूसरे बैट्समैन बने थे। But it doesn't make a difference. There's a long on. Sehwag greets him with a six. He's gone over the top. And he's hit it really well. Getting underneath the ball, getting the elevation and the... अब देखना होगा कि इंदौर के लकी चार्म ग्राउंड पर भारतीय क्रिकेटर्स क्या कमाल दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।